देखो नया साल तो आ चुका है और आपको ये पता है जितने ज्यादा नए साल आएंगे ना उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाएगी। AI का टाइम है भाई, 2024 में AI बहुत तगड़ी बूस्ट करने वाली है और साइबर क्राइम भी बहुत तगड़ा बूस्ट करने वाला है। साइबर क्राइम यानी कि हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, डेटा ब्रिज, ये सारी भी चीजें बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन और 2024 में पता नहीं भाई कितने सारे केस देखने को मिलेंगे। कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु फैमिली वाले जो भी लोग हैं वो सब आपके साथ साथ सेफ रह सके साइबर क्राइम से। क्या पता आपका फोन हैक हो और आपको नहीं पता, इसी तरह से क्या पता जिससे आप बात करते हो समझ रहे हो ना उनका फोन हैक हो या किसी का भी, तो वीडियो शेयर कर देना कृपया करके। वैसे मेरा नाम इमरान है। काफी लोगों के मन में ये डाउट भी होता है कि हम कैसे पता करें हमारा फोन कहीं हैक तो नहीं है, हमें डाउट हो रहा है सामने वाले बंदों को चीजें कैसे पता चल रही है। ये कॉमन सी चीज है आज के टाइम पर, लेकिन एक चीज और है, आपको डाउट भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है कुछ और आपका फोन हैक है, आपका डेटा कहीं और जा रहा है। जब बहुत देर हो चुकी होती है ना तब पता चलता है कि आपके साथ तो अनहोनी हो गई। तो ये चीजें ना हो, वहां तक बात ना पहुंचे, तो ध्यान से समझना कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आप पता कर सके आपका फोन कहीं हैक तो नहीं है और कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, फोन हैक जब हो जाता है आपका, तगड़ा वाला हैक जो पूरा एक्सेस किसी और के पास हो, तो कुछ सिम्टम्स आपके फोन में दिख जाते हैं। आपके फोन में ना कुछ ऐसी चीजें हो रही जो नहीं होना चाहिए। अचानक से लॉक खोलने के बाद आप देख रहे हो ऑटोमेटिक कहीं पर भी आपका ब्राउजर रीडायरेक्ट कर रहा है, जबकि आपने ब्राउजर को ओपन ही नहीं किया था, फिर भी आप रीडायरेक्ट हो रहे हो। या कई बार आप देख रहे हो कि आपने जैसे फोन को अनलॉक किया SMS का ऐप ओपन हो गया या कोई और ऐप ओपन हो गया। इसके अलावा एक और चीज है कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है पहले की तुलना में, अचानक से आपके जो फोन का डेटा है MB है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो रही है अचानक से, ये सारी चीजें होने लगी। तो ये सिम्टम्स हैं कि आपके फोन में कहीं ना कहीं मैलवेयर है या फोन किसी ने हैक करके रखा हुआ है। कुछ चीजें जो है ना ऑलरेडी आपको कुछ वीडियो में बता रखी हैं, बट इसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, शायद वो वीडियो आपने पुरानी वाली ना भी देखी। देखो सबसे पहले तो आप अपने फोन की सेटिंग में डिवाइस एडमिन ऐप चेक करके देखो कहीं डिवाइस एडमिन ऐप में कोई ऐप तो नहीं है। हाँ पता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी चेक कर लो, शायद कुछ लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो। आप अपने फोन की सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद सीधा आप सर्च कर देना डिवाइस एडमिन ऐप, ये आ जाएगा, इसको ओपन करना। यहाँ पर देखना जैसे कि मेरे फोन में फाइंड माई डिवाइस और बटन मैपर है। मुझे पता है बटन मैपर मैंने इंस्टॉल किया है बट ये एक्टिवेट नहीं है, फाइंड माई डिवाइस ये एक्टिवेट है। कोई इशू नहीं है, ये गूगल का ऐप है, जब हमारा फोन खो जाएगा या कुछ हो जाएगा तब हम ट्रैक कर सकते हैं अपने फोन को, ये इसलिए। फाइंड माई डिवाइस के अलावा कोई और ऐप आपके फोन में आता है और आपको नहीं पता है कि वो ऐप क्या है, या आपने इंस्टॉल किया था और डिवाइस एडमिन ऐप की उसको परमिशन दे रखी है और आपको नहीं पता है कि डिवाइस एडमिन ऐप की इस ऐप ने परमिशन क्यों ली थी, तो उस ऐप को तुरंत हटा दो और कमेंट करके बताना कि आपने जब चेक किया तो फोन कौन सा ऐप एक्टिवेट था। अब अगली जो चीज है ना, मान लो आपका फोन हैक नहीं है, क्या पता किसी ने आपके ईमेल, जो जीमेल है आपके फोन में, जो आप प्ले स्टोर में जीमेल में यूज करते हो, वो ईमेल किसी और के फोन में लॉगिन है, उसके पास आपका ईमेल और पासवर्ड है, तो वो आपके फोन को पूरा कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, बट हाँ आप अपने फोन में जो भी चीजें कर रहे हो ना उन सभी चीजों पर नजर रख सकता है कि आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, कितनी कितनी देर तक कौन कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें उस पर नजर रख सकता है सामने वाला बंदा, कुछ हद तक कंट्रोल भी चीजें कर सकता है। अब ये कैसे चेक करेंगे आप कि आपका ईमेल कहीं और लॉगिन तो नहीं है, इसके लिए सिंपली अपने फोन की सेटिंग में जाना, गूगल में जाना। अब हो सकता है आपके फोन में मल्टीपल ईमेल हो, जैसे मेरे फोन में बहुत ज्यादा ईमेल है, तो आप हर ईमेल को चेक करना चाहें तो सेम इसी मेथड से चेक कर सकते हैं। मैनेज गूगल अकाउंट पर जाना और यहाँ पर जाना सिक्योरिटी में, नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा योर डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको उन डिवाइस की लिस्ट मिल जाएंगी जहां जहां पर आपका ये ईमेल लॉगिन है, हो सकता है वो डिवाइस आपके पुराने फोन हो, यहाँ पर दिखा देगा लास्ट कितने दिन पहले एक्टिव थे, आप चाहे उनको भी यहाँ पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइस है जो आपका नहीं है और वो करंट टाइम में भी एक्टिव है या एक दो घंटे पहले या एक दो दिन पहले एक्टिव हुआ है, लेकिन आपने एक दो दिन पहले ऐसे किसी फोन में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं किया है, तो जरूरत है कि आपको ये लॉग आउट करने की और पासवर्ड चेंज करने की। सिंपली उस डिवाइस पर क्लिक करना, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा साइन आउट, या आप चाहे फाइंड डिवाइस के वो
बंदा कहां पर है जिसने मेरे ईमेल आईडी को एक्सेस करके रखा हुआ है, तो फाइंड डिवाइस पर क्लिक करके उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। लोकेशन ट्रैक कर लेना, उसके बाद साइन आउट करना और पासवर्ड को चेंज कर लेना। अब उस लोकेशन पर जाकर उस बंदे के साथ जो करना है कर देना। अच्छा, एक और चीज है जो आज के टाइम पर 2023 में सबसे ज्यादा ये चीज ट्रेंडिंग पर हो गई है, कॉल फॉरवर्डिंग के थ्रू लोगों के फोन हैक हो रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें भैया, बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, स्विगी और जोमेटो वाले, मतलब ये लोग नहीं, इनके नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं कॉल फॉरवर्डिंग के करके। लोग कॉल कर दे, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम में, लोग कॉल कर दे कि भैया आपका जो ऑर्डर है ना वो कंफर्म करना है तो ये नंबर डायल करो, या आपका फोन नहीं लग रहा तो ये नंबर डायल करो, *# लगाकर और अपना नंबर डलवा के, और आपका जो कॉल है ना वो फॉरवर्ड हो जाता है सामने वाले के नंबर पर। अब जितने भी ओटीपी कॉल के थ्रू आने वाले होते हैं ना, वो सभी ओटीपी उस नंबर पर जाते हैं कॉल के थ्रू जो नंबर अभी आपसे डायल करवाया था किसी स्कैमर ने झूठ बोलकर। ये बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग पर हो रही है 2024 में, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो अभी आप ये चेक कर लो कहीं आपका नंबर तो फॉरवर्ड पर नहीं लगा हुआ है। तो सिंपली आप अपने डायलर में जाना, देखो कोड भी होते हैं डीएक्टिवेट करने के लिए, अगर कोड बताऊंगा तो भैया जियो के अलग है, एयरटेल के अलग है, वी के अलग है, बीएसएनएल के अलग है। तो सिंपली आप अपने फोन के डायलर में जाना और 3 डॉट पर जाने के बाद सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद कॉलिंग अकाउंट में जाना है और ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेंगी कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग पर जाना और जिस नंबर पर भी आप चेक करना चाहते हैं, दोनों पर चेक करना चाहते हैं, वो सिम को सिलेक्ट कर लेना, वॉइस कॉल पर जाना। अब यहाँ पर अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है ना जिस नंबर पर, वो नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर कॉल फॉरवर्डिंग पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पर सभी चीजें डिसेबल्ड दिखाई देंगी। गूगल डायलर का सेम प्रोसेस है, बट हर डायलर में ये फीचर होता है कॉल फॉरवर्डिंग का। एक बार चेक जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना किस किस का कॉल फॉरवर्डिंग पर था लगा हुआ नंबर। अच्छा, एक चीज और कॉमन सी चीज है जो सबके साथ होती है कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ईमेल से अपना अकाउंट बनाते हैं, काम निकल गया, उस ऐप को अनइंस्टॉल करके फेंक देते हो। इसी तरह से किसी वेबसाइट पर जाते हो, ईमेल से अकाउंट बना दे, काम निकल गया, बस लॉग आउट करके भूल गए। लेकिन क्या आपको पता है, जब तक आप खुद वहां से ईमेल अपना नहीं हटाएंगे तब तक आपके ईमेल का एक्सेस उन कंपनी, उन ऐप या वेबसाइट के पास रहता है। जब तक आप अपने ईमेल को यूज कर रहे हो, अब तक का जितना भी डेटा है उनके पास रहता है, वो चाहे उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, पूरे इंटरनेट पर जो खेल है ना वो डेटा का है, जिसके पास ज्यादा डेटा है वो उतना ज्यादा पैसे वाला और ताकतवर है इंटरनेट पर। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपने अपने ईमेल की किस किस को परमिशन दे रखी है कि भैया आओ अंदर झांक कर देखो क्या क्या है, जो यूजफुल है चीजें ले जाओ बेचो। ये चेक करने के लिए सिंपली आप अपने फोन की सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद गूगल पर जाना, स्क्रॉल डाउन करना, सेटिंग फॉर गूगल एप्स इस पर क्लिक करना, ऊपर आपको दिखेगा कनेक्टेड एप्स इस पर क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा है जमाने से, लेकिन अकाउंट कभी बनाया होगा, लेकिन भैया इस कंपनी के पास मेरा अब तक का, अभी तक का जो भी डेटा होगा ना ईमेल में, सारी खबर होगी कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या चीजें ब्राउज कर रहा है, किन किन चीजों को देख रहा है, सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है ये बंदा, फिर वही डेटा निकाल के भेज देंगे किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है ना हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड दिखाएगी। ये सारी चीजें होती है इंटरनेट पर। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे डिलीट ऑल कनेक्शन दैट यू हैव पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो गया। अब मैंने यहाँ से तो डिलीट कर दिया, अब आपकी स्क्रीन पर मैं कोई दूसरा ही ऐप दिखाऊंगा। देखो ये जो चीजें थी आपको चेक कर लेना है, लेकिन कुछ चीजों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। कहीं भी आपके फोन में व्हाट्सएप पर, एसएमएस में, कहीं पर भी कोई एसएमएस आता है और वहां पर आपसे कहा जाता है आपका क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा है, इस पर क्लिक करके भर दो, आपको लगता है तो मेरे क्रेडिट कार्ड का ही बिल है या बिजली का बिल है, फलाना दिमाग का, सेम टू सेम वैसा ही एसएमएस आ सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का आता है, क्रेडिट कार्ड बिल का आता है, किसी भी चीज का हूबहू वैसे ही एसएमएस आ सकता है। ये नॉर्मली बनाना एसएमएस भेजना है, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर देते हैं तो आपके साथ बड़ी ठगी हो जाएगी और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो ऐसा मत करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल रहा होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय, टेक केयर।